हेलो। हाँ बेटा ओम प्रकाश। हाँ सर जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। और क्या हो रहा है वहाँ भोपाल में, क्या चल रहा है? बस सर, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। और कंपनी का काम कैसे चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा, ये अपने मतदान होने वाले हैं तो आप हाँ तो आ सर। रहे हो ना चुनाव में? सर चुनाव के समय में ज्यादातर कंपनी के लोग घर जा रहे हैं, तो अच्छा मैं नहीं आ पा रहा हूँ अभी। हाँ मुझे अतिरिक्त वेतन मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा कैंसिल कर रहा था अभी। हाँ नहीं बेटा, अपने को क्या है, मतदान जो है हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और हमको अपने इस अधिकार को अच्छी तरह से निभाना है और 100% मतदान करना है। तो हाँ मतदान सर। देने तो बेटा आपको आना ही है। मतदान देकर हम अपने अधिकार का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जी अभ्यर्थी का सर। चुनाव करना है, सही अभ्यर्थी जब हम चुन लेंगे तभी तो सही सरकार मिलेगी ना हमें। तो मतदान में आपको आना ही है बेटा, है ना? ज्यादा लोग जा भी रहे तो सर भी आप भी अवकाश ले लीजिए और मतदान में जी जरूर आइए, है ना? हाँ सर, लेकिन मेरे एक वोट से क्या होने वाला है? अरे नहीं बेटा, एक एक वोट आप ही तो अभी तो काउंट मत दे होता रहे हैं है, ना। एक एक वोट ही तो काउंट होना है। आपका वोट है ना, आपके साथियों का वोट, सभी बूंद बूंद से, कहावत सुने हो ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, हाँ सर। इसी तरह से एक एक वोट मिलकर ही, आप सभी का वोट मिलकर ही हम एक अच्छी सरकार बनाते हैं, अच्छे अभ्यर्थी का चयन करते हैं, सही अभ्यर्थी का चयन करते हैं, है ना? और वही हाँ फिर सर। हमारी सरकार को चलाते हैं। तो केवल हम अपना स्वार्थ ना देखें, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, है ना, ध्यान रखते हुए हमें अपने मत का उपयोग जरूर करना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं मतदान देने जरूर बहुत आऊंगा बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो साथी सर। आपके साथ है ना, अपने जी सर। आसपास के एरिया के, अपने गांव के, उनको भी आपको मतदान देने जरूर लाना है, क्योंकि जी हर सर। व्यक्ति का मतदान ही एक अच्छे अभ्यर्थी का चयन करने के लिए हमको आवश्यक है ना बेटा, इसलिए सबको मत हाँ जरूर देना है। हाँ ठीक सर। है? हाँ जी सर।